मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली आज ये लोग आ गए हैं और आज इनका प्लान है कि जो इन्होंने चुनाई की थी, टूट फूट हुई थी, उसके ऊपर प्लास्टर करेंगे। जो भी चुनाई की थी, ईंटें लगाई थी, उसके ऊपर प्लास्टर करेंगे और छत की तराई करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छत पे जो लेंटर डाला है उसके ऊपर कैसे और भी तराई करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कम से कम 12 से 14 दिन तक तो तराई बनती है, पानी को भर के रखना है। और तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का दिन कहाँ पहुँचता है। तो तराई करना है तो भरना चाहिए ना पानी, देखो फिर सूख गया ये। पानी तो टंकी भरा हुआ है। उधर जाएगा नहीं तो तो ये भी समाप्त हो गया। ये वाला प्लास्टर भी कर दिया इन्होंने, तो प्लास्टर वर्क इस वॉल पे और ये वाली वॉल पे हो गया है। वहाँ पर भी वो कुछ जो क्रैक्स पड़े हुए हैं वॉल पे उनको निकाल रहे हैं ताकि रिपेयर जो है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो जाए। इस वाली वॉल पे भी वही करना बाकी रह गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, ये वाला काम सबसे पहले इन्होंने सुबह सुबह ही कर दिया था। मैं एक बार और आया हूँ 3:15 बजे करीब और देख रहा हूँ कि ये फिर से सूख गया है। ये वाला हिस्सा में सूख ही जाता है, वहाँ तो प्रॉपर पानी रुका हुआ है लेकिन यहाँ सूख जाता है बार बार। फिर चल चलाए शाम के 6:30 बज गए हैं और इन्होंने सारे पैचेस पे प्लास्टर कर दिया है, ये देखिए। सो जो भी टूट फूट हुई थी सारे पैचेस पे प्रॉपरली प्लास्टर कर दिया है। पीछे की साइड से भी हो गया है। इस रूम में मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ और ये भी हो गया है। अरे ये रह गया, यहाँ पहुँचे नहीं क्या? ये वाला काम रह गया यार, तो ये इनकम्प्लीट हो गया, ये नहीं कर पाए लोग। इसके पीछे वाला तो कर दिया, हाँ इसके पीछे का कर दिया और दरवाजे को इन्होंने सेट किया है। हिल रही थी चौखट, ये तो चौखट को ठीक किया इन्होंने प्रॉपरली। एक बार छत पे चल के देखते हैं कि कितना पानी पड़ा हुआ है लेंटर पे। दोपहर में तो बहुत पानी डाला था हमने, है काफ़ी है, तो काफ़ी पानी अभी भी भरा हुआ है। अच्छा है जितना पानी भरा रहे नए लेंटर पे, कुछ दिन तक ही भरा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ एक दिन और ख़त्म होता है और आज जो भी हमारी टूट फूट हुई थी, जो घर टूट गया था, लेंटर टूट गया था, दीवारें टूट गई थी तो लेंटर भी डल गया और जो दीवारें टूट गई थी उनमें चुनाई हो गई कुछ दिन पहले और आज उसका प्लास्टर भी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम अच्छा बना बनाया था वो सारा टूट गया और उसको बना दिया गया है तो प्रॉपरली। अब हम बैक टू स्क्वायर आ गए हैं, जहां पर हमारा काम आज से 15-20 दिन पहले था, हम उस काम पर आ चुके हैं। अब कहानी आगे बढ़ेगी, अब देखा जाएगा इस काम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, नया काम अब होगा। तो हम लोग 15-20 दिन पीछे जा चुके हैं अपने शेड्यूल टाइम से, तो देखते हैं अब आगे क्या काम होगा। प्रॉमिस तो ये है कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक वो लोग लोहे की पैडिंग लेकर आ रहे हैं, जिसके सहारे वो बांध बांध के टॉप फ्लोर तक आएंगे और बाहर हमारी पूरी की पूरी एक्सटर्नल वॉल के ऊपर प्लास्टर करना है और फिर उसके बाद पुट्टी करनी है और फिर एपेक्स करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखते रहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन, टेक केयर।